बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमने सेवन्थ क्लास का मैथ का यूनिट नंबर वन स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी जिनमें एक सेट की थी और बाकी तीन थी सेट को लिखने के तरीके। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं जो कि उन्हीं डेफिनेशन के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर वन है, राइट दी फॉलोइंग सेट इन टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि ये जो गिवन सेट है इनको हमने बयानिया तरीके में लिखना है। अब बयानिया तरीके से क्या मुराद होता है, जो आपके पास सेट है ना उसको आपने एक स्टेटमेंट की मदद से या उर्दू में या इंग्लिश में लिखना होता है। तो हमारे पास जो पहला सेट है वो है ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे पास जो इंग्लिश में वोवल्स होते हैं ये उनका सेट है। तो हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ वोवल्स ऑफ The English alphabets ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म थी इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मतलब कि इंग्लिश के एक जुमले की मदद से लिखा है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास b इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 है। बेटा ये हमारे पास सेट है जो कि तीन का टेबल है जिसको हम कह सकते हैं और ये चलता जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उन सब का सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सी इज इक्वल टू एस पी आर है, यानी स्प्रिंग एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ इंग्लिश वर्ड जो कि हमारे पास क्या है स्प्रिंग। हमारे पास एक इंग्लिश का लफ्ज़ है स्प्रिंग, उसके जितने भी लेटर्स हैं ना सेट ऑफ लेटर्स आना है सॉरी दिस सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग, मतलब के जितने भी स्प्रिंग के लेटर्स हैं उनका एक सेट। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 0 ±1 ±2। आपको जैसे कि पता है कि जो प्लस और माइनस वाले नंबर्स हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3, मतलब के जो -3 और 3 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सेट। अब उनके दरमियान क्या आता है, 0 आता है, ±1 आता है, ±2 आता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो है राइट दी फॉलोइंग सेट इन टू टेबुलर फॉर्म, मतलब कि ये जो सेट हमें गिवन है अब हमने इसको ऐसे लिखना है जैसे कि हम पहले उस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें गिवन था कि हमने अब इसको इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान लिखना है और इनके जो भी रकान होंगे उनको कोमे की मदद से अलग करना है। तो हमारे पास पहला है लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी, मतलब हॉकी के जितने भी वर्ड हैं उनका सेट, तो एच ओ सी के ई वाई ठीक है। अब टू कलर्स ऑफ रेनबो, के जो कोसे कजा है उसके कोई से दो रंगों का सेट, तो आपने कोई से दो कलर उसके लिख देने हैं रेड और ब्लू। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 5 less than 30, के जो 5 के मल्टीपल है मतलब जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनका सेट जो के क्या है लेस देन 30 है जो के 30 से कम है, यानी के 5 आएगा, 5 के बाद 10 15 20 25। बेटा नेक्स्ट है 30, तो 30 से उसने कहा है कम, तो 30 से कम तक हमारे पास 25 तक बनते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है डी, ये उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तरकीब सेट साथ में एक्स सच डैट कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, और एक्स ग्रेटर देन 5 के मतलब जो एक्स है वो 5 से बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे डी। तो आपको पता है कि जो 5 से बड़े होल नंबर्स का सेट तो क्या आएगा 6 7 8 9 10, और ये बेटा ऐसे ही चलते जाएंगे। अब उसने कहा था
एक्स फाइव से बड़ा है, तो इस वजह से हमने सेट को सिक्स से स्टार्ट किया। अगर इधर वो फोर लिखता तो हम फिर यहाँ से